Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So from today I am going to start the discussion of the question paper of Advanced Mathematical Methods for Economics for BA Economics Honours third semester question paper being held in December 2023. January first week mein hua tha, lekin theek hai, December January ka jo session tha 23. Okay. अब इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ तीन सेक्शंस हैं, इक्वल मार्क्स हैं, हमको तो पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो पहले सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है लेट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट इज गिवन बाय द फंक्शन क्यू टी इज इक्वल 12 इनटू टी पावर 1/3 इफ क्यू 0 इज 20 फाइंड द टाइम पाथ ऑफ आउटपुट लेवल ऑल्सो फाइंड द टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द इनिशियल 3 ईयर्स। देखिए ये जो रेट आप क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है आपको रेट ऑफ ग्रोथ, जब रेट ऑफ ग्रोथ होता है तो जो भी रेट ऑफ चेंज होता है वो आपको उसने दिया होता है डिफरेंशियल। तो बेसिकली ये एक डिफरेंशियल फंक्शन है, इसने लिखा भले ही क्यूटी है मगर ये डिफरेंशियल फंक्शन है। इट इज आप कह सकते हैं क्यूटी इज डी क्यू बाय डी टी, ठीक है। तो ये रेट ऑफ चेंज आपको दे रखा है यहाँ पे, रेट ऑफ ग्रोथ जिसको कह सकते हैं, और आपसे पूछ रहा है टाइम पाथ। सो डी क्यू बाई डी टी आपको दे रखा है 12t 1/3 क्यू टी और डी क्यू बाई डी टी इज 12 × t/1/3। सो क्यू टी कैसे आएगा टाइम पाथ, इट विल बी ऑब्टेन बाय इंटीग्रेशन ऑफ क्यू टी या रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 12t/1/3 का क्या होता है आप जानते हैं, x पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c। तो ये आ जाएगा 12 × t/1/3 + 1 4/3 डिवाइड बाय 4/3 प्लस c। रीजन आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं फंक्शन जो है, ये फॉर्मूला जो है। सो दिस बिकम्स 12 × 3/4 36/4 9 × t/4/3 प्लस ये दिस इज द टाइम पाथ ऑफ प्रोडक्शन। और उसने दिया है कि व्हेन टी जीरो आउटपुट 20 था, एट टी जीरो क्यू इज 20, तो 20 × 9 × 0/4/3 प्लस सी, तो सी आ गया 20। तो टाइम पाथ क्या हो गया 9 × t/4/3 + 20। क्वेश्चन एक चीज और बोली थी कि फर्स्ट 3 इयर्स में कितना प्रोडक्शन हुआ बता दीजिए। तो आउटपुट ऑफ फर्स्ट 3 इयर्स क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 3 12 × t/1/3 dt। तो 9 × t/4/3 लिमिट इंटीग्रेशन तो आप कर चुके हैं, वही लिख दिया मैंने। तो दिस बिकम्स 9 × t/4/3 - 0, सो 9 × 3/4/3 इज द आंसर। दिस इज द आउटपुट इन द फर्स्ट 3 इयर्स, फर्स्ट 3 इयर्स में इतना आउटपुट। आप यहां से भी कर सकते हैं, आप Q3 निकालेंगे तो आएगा 9 × 3/4/3 + 20। 20 तो इनिशियल आपके पास था, तो 3 साल में क्या करा 9 × 3/4/3, ठीक है, क्लियर। सेकेंड पार्ट में कह रहा है, बी पार्ट में फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द कर्व्स y1 = 3x² - 6x + 3 y2 - 2x² + 1 विद इन द लिमिट 0 to 2। तो देखिए यहां पे बी पार्ट की बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट, वी हैव y1 = 3x² - 6x + 3। यहां से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो आई विल हैव x² - 2x + 1, सो दिस इज 3 × x - 1² बेसिकली ये पैराबोला है, और इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, दिस रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला विद वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए जो होल स्क्वायर है उसको 0 पुट करते हैं, इसको 0 करेंगे x आएगा 1 y आएगा 0, वर्टेक्स एट 1 0। और दूसरी कर्व क्या है, y2 है माइनस
2x² + 1, ये भी पैराबोला है, और इसका जो वर्टेक्स है इट इज़ ऑल्सो पैराबोला, वर्टेक्स इज़ एक्स को करेंगे 0 तो वाई आएगा 1। बस ये जो ऊपर था वो यू शेप पैराबोला, नीचे वाला माइनस यू शेप है। अब हमको इनका कॉमन पॉइंट एक बार चेक करना है क्या कहीं पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है फ्रॉम 1 एंड 2, वी गेट 3x² - 6x + 3 इज इक्वल टू -2x² + 1, सो दिस बिकम्स 5x² - 6x + 2 इज 0। यहाँ पे इसका अगर डी निकालते हैं, डी क्या होता है, b² - 4ac, तो 36 - 40 नेगेटिव आ रहा है। सो दिस कर्व हैज़ नो रियल रूट्स, दिस मीन्स दिस फंक्शन हैज़ नो रियल रूट्स, दिस मीन्स द कर्व्स डू नॉट इंटरसेक्ट। तो कर्व्स इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर इनका कोई रूट ही नहीं आ रहा मतलब आपस में कोई कॉमन पॉइंट इनमें नहीं है, ठीक है। तो कर्व्स डू नॉट इंटरसेक्ट। तो हमारा डायग्राम क्या बनेगा, पहले डायग्राम देख लेते हैं। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस इज वाई एक्सिस। पहले फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट कर्व की देखिए, उसका वर्टेक्स आ रहा था 1 0 पर, और वाई एक्सिस पे जब एक्स 0 होगा, एक्स 0 होगा तो वाई होगा 3, तो 1 2 3 1 2, तो ये जो कर्व बनेगा कुछ ऐसा बन रहा है। ये पैराबोला बन रहा है, ठीक है। और जो दूसरी कर्व आपके पास थी वो वर्टेक्स आ रहा था x0y1 पे, और ये जो कर्व है इन्वर्टेड यू शेप बन रही है, और ये जब आप x0 करते हैं यहाँ पे, सॉरी y0 करते हैं, x आता है क्या, व्हेन y इज 0, पुट y 0, x इज 1/√2, क्योंकि x² 1/2 आएगा, x इज 1/√2, 1/√2 पे जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा कर्व, ठीक है। दिस इज 1/√2। हमको 0 से 2 के बीच में इनका एरिया फाइंड करना है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, इंटीग्रेशन 0 से 2, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, इंटीग्रेशन 0 से 2, अपर कर्व है आपके पास 3x² - 6x + 3, माइनस लोअर कर्व है -2x² + 1 dx। दिस इज इंटीग्रेशन 0 से 2, 5x² - 6x + 2, 5x² का इंटीग्रेशन होगा 5x³/3 -6x² / 2 + 2x, लिमिट्स हैं 0 से 2, सो दिस बिकम्स 40/3 माइनस 3x² 12 + 4, माइनस 0 डालने पे सब 0 ही आएगा, सो 40/3 - 8, 3 LCM, 40 - 24, 16/3, 5.33 square units। दिस इज द एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, डन, ओके जी। अभी सेकेंड क्वेश्चन, ये तो बाकी तो उसमें हिंदी में लिखा क्वेश्चन वही है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कह रहे सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंस इक्वेशंस, ऑल्सो डिटरमाइन वेदर द सॉल्यूशन पाथ इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी और नॉन ऑसिलेटरी। आपको बताना है कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटरी है या नॉन ऑसिलेटरी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज xt इज इक्वल टू माइनस, मैं पहले आपको अगर बता दूं इसकी जो फॉर्म होती है, at इज इक्वल टू a into at - या xt कह लीजिए, वरना ए उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप। xt
इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स टी माइनस वन प्लस बी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, एक्स टी इज इक्वल टू ए पावर टी इंटू इनिशियल वैल्यू एक्स नॉट माइनस बी अपॉन वन माइनस ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए। ठीक है, और अगर यहाँ पर ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है तो वो ऑसिलेशंस होती हैं और वो डैम्ड ऑसिलेशंस होती हैं, जबकि अगर ए की वैल्यू -1 से छोटी होती है तो वो एक्सप्लोजिव ऑसिलेशंस होती हैं। ठीक है, ये आपको मैंने लेक्चर में पढ़ाया हुआ। अभी क्वेश्चंस पे आता हूँ आपके साथ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स टी इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स टी -1, ए पार्ट है। एक्स टी इज इक्वल टू -3 एक्स टी -1 प्लस प्लस 4, एक्स नॉट इज 2। यहाँ पे ए क्या है, ए है -3, बी है, पहले भी बात करें सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन इस फॉर्म लिखना पड़ेगा पहले। तो एक्स टी इज इक्वल टू ए पावर टी एक्स नॉट माइनस बी अपॉन वन माइनस ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए, तो यानी -3 पावर टी एक्स नॉट इज 2, 2 माइनस 4 अपॉन वन माइनस -3 प्लस 4 अपॉन वन माइनस -3। सो दिस इज -3 पावर टी टाइम्स 2, ये 1 प्लस 3 4 हो जाएगा और 4 बाय 4 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस 1। तो दिस इज -3 पावर टी प्लस 1, एक्स टी आ रहा है। अब एक बात सॉल्यूशन हो गया, आपको एक बात याद रखनी है, मैंने आपको लेक्चर में सब लिखवाया हुआ है, आपको याद होना चाहिए। व्हेन ए इज लेस देन -1 देन वी गेट एक्सप्लोजिव ऑसिलेशंस। तो जो सॉल्यूशन होगा वो ऑसिलेशन होगा, मगर वो कैसा होगा, एक्सप्लोजिव, मतलब ये ऐसे चलेगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस तरह का। मगर अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए खाली लिखना नहीं है, करके दिखा देता हूँ। एक्स नॉट क्या होगा, एक्स नॉट इज -3 पावर 0 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा। एक्स वन क्या होगा, -3 पावर 1 प्लस 1 यानी कि -3 प्लस 1 -2 हो जाएगा। एक्स टू क्या होगा, -3 का स्क्वायर प्लस 1, -3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10 हो गया जी। एक्स थ्री क्या हो जाएगा, -3 का क्यूब प्लस 1, -27 प्लस 1 -26 हो जाएगा। तो दिस मीन्स वी आर गेटिंग एक्सप्लोजिव ऑसिलेशंस। एक रफ स्केच बनाएंगे, टाइम पाथ है, 0 पे वैल्यू आ रही है 2, 1 पे वैल्यू आ रही है -2, 2 पे वैल्यू आ रही है 10, 3 पे वैल्यू आ रही है -26 ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। सो ले जाएंगे नीचे तक, ठीक है, और लिख देंगे क्या, दिस डिफरेंस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स डैम्ड सॉरी एक्सप्लोजिव ऑसिलेशंस, जो जो इसका इक्विलिब्रियम आएगा उसके अलॉन्ग ये एक्सप्लोड करेगी। और वैसे पूछा नहीं इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम होता क्या, एक्स स्टार होता है क्या, बी अपॉन वन माइनस ए, जो कि यहाँ पे आएगा 4 अपॉन 1 माइनस -3 यानी कि 1, 1 के अलॉन्ग ये एक्सप्लोड एक्सप्लोड करेगा। पहले 1 से ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। आपको डायग्राम बनाना, लिख देना है द डिफरेंस इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एक्सप्लोजिव ऑसिलेशंस, राइट। बी पार्ट पे आते हैं जरा पहले इसके। बी पार्ट में क्या, एक्स टी इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स एक्स टी -1 प्लस 3, 0.5 एक्स टी -1 प्लस 3 एंड एक्स नॉट इज 5। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन इज एक्स टी इज इक्वल टू ए पावर टी, अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं पहले मैंने, ए है 0.5, बी है 3, ए पावर टी इंटू एक्स नॉट माइनस बी अपॉन वन माइनस ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए। सो दिस इज 0.5 पावर टी इंटू 5 माइनस बी इज 3, 3 अपॉन 1 माइनस 0.5 इज 0.5 प्लस 3 अपॉन 0.5, सो इट इज 0.5 पावर टी इंटू 5 माइनस 6 प्लस 6, सो इट इज -1 इंटू 0.5 पावर टी प्लस 6। ये तो आ गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है,
और यहाँ पर देखिए, मैंने बताया आपको अगर ए 0 7 के बीच में, तो इट रिप्रेजेंट्स डैम्ड ऑसिलेशंस। तो और देखिए निकाल लेते हैं, एक्स जीरो क्या आएगा, एक्स जीरो आएगा -1 + 6 यानी कि 5, एक्स वन होगा -0.5 + 6 यानी कि 5.5, एक्स टू होगा 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25, -0.25 + 6 यानी कि 5.75, फिर एक्स थ्री होगा 0.5 का क्यूब होगा 0.125, -0.125 + 6 तो 5.875, इस तरह चलेगा ये, ठीक है। और इसका व्हाट इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इज एक्स स्टार इज इक्वल टू बी अपॉन 1 - a, तो 3 अपॉन 1 - 0.5 दैट इज 6, तो 6 के लॉन्ग डैम्ड ऑसिलेशन चलेंगी, 2 4 6, नहीं 8 भी ले लीजिए यहाँ पे, 2 4 6, तो 0 पे आ रही है वैल्यू 5, फिर 1 पे आ रही है 5.5, 2 पे आ रही है 5.75, 3 पे आ रही है 5. तो इस तरह से इट इज़ गोइंग लाइक दिस। थोड़ा स्केल मैंने छोटा रख दिया, स्केल बड़ा कर लेना चाहिए था मेरे को, यानी मैं डायग्राम अगर आपको दोबारा बना के दिखाऊँ तो। यहाँ पे लेते हैं हम लोग 2 4 6, 6 पे आ रहा है इसका इक्विलिब्रियम, 0 पे आ रहा है 5, 1 पे 5.5, फिर 5.75, फिर 5.875, कुछ इस तरह चलेगा ये। सो इट इज कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। अब मैंने शायद बोल दिया कि यहाँ पे ये ऑसिलेटरी नहीं, ऑसिलेटरी नहीं है, -1 से 0 पे होता है डैम्ड ऑसिलेशंस, आई एम सॉरी, 0 से 1 में ये कन्वर्जेंट रहता है, -1 से 0 में क्या होता है, डैम्ड ऑसिलेशंस रहता है। तो व्हेन ए इज बिटवीन -1 टू 0 इट गिव्स डैम्ड ऑसिलेशंस, डैम्ड ऑसिलेशंस। व्हेन ए इज बिटवीन 0 टू 1 इट इज कन्वर्जेंट, तो ये कन्वर्जेंट है, ऑसिलेटरी नहीं है। तो फर्स्ट इज फर्स्ट पाथ इज फर्स्ट वन इज नॉन कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट नहीं है बल्कि वो एक्सप्लोजिव ऑसिलेशंस देता है। सेकंड वन जो है एक्स ऑसिलेटरी नहीं है, कन्वर्जेंट है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसका रूल अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत तो होगी फिर आपको। अगर ए मोर देन 1 है तो डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, ए लेस देन -1 है तो एक्सप्लोजिव ऑसिलेशंस। ये बात याद रखिएगा प्लीज, ठीक है। ओके अब आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। द इनिशियल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज 10^7, द बर्थ रेट इज 0.04, डेथ रेट इज 0.03, एंड 30,000 माइग्रेंट्स अराइव इन कंट्री एवरी ईयर, राइट डाउन डिफरेंस इक्वेशन। देखिए पहले बात करते हैं ग्रोथ रेट की, बर्थ रेट 0.4 है, 0.04, और डेथ रेट है 0.03, तो ग्रोथ रेट क्या होगा, ग्रोथ रेट होगा 0.04 - 0.03 यानी 0.01, ये ग्रोथ रेट है। तो पॉपुलेशन की इक्वेशन क्या बनेगी, डिफरेंस इक्वेशन इज पी टी इज इक्वल टू 1 + जो ग्रोथ रेट है 0.01 टाइम्स पी टी माइनस। ये तो नॉर्मली अगर कुछ भी ना हो, बाहर से लोग ना आए ना बाहर कोई जाए, तो ये तो रहेगा, लेकिन इस कंट्री में 30,000, शायद 30,000 ये 30,000, हाँ 30,000 लोग हर साल बाहर से आ रहे हैं, तो ये बनेगी इसकी डिफरेंस इक्वेशन। पहले लिखना पड़ेगा वही, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, सो ग्रोथ रेट इज 0.01, तो डिफरेंस इक्वेशन इज पी टी इज इक्वल टू 1.01 टाइम्स पी टी -1 + 30,000, ठीक है। और यहाँ पे जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो भी लिख देता हूँ, यहाँ पे ए है आपके पास 1.01, बी है 30,000, और इनिशियल पॉपुलेशन है 10^7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 करोड़ लोग यहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं पहले से, ठीक है, 1 करोड़ लोग ऑलरेडी पहले से रहते हैं। तो उसने पहला बोला डिफरेंस इक्वेशन लिखी, हमने लिख दिया,
फिर कह रहे सॉल्व इट, सॉल्यूशन बताइए जी इसका, सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन इज पी टी इज इक्वल टू ए पावर टी इंटू पी नॉट माइनस बी अपॉन वन माइनस ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए. सो ए इज 1.01 रेज टू पावर टी, पी नॉट इज 10 पावर 7 माइनस 30,000 अपॉन वन माइनस 1.01 प्लस 30,000 अपॉन वन माइनस 1.01. सो दिस इज 1.01 रेज टू पावर टी इंटू 10 पावर 7 माइनस 30,000 अपॉन माइनस 0.01 प्लस 30,000 अपॉन माइनस 0.01. तो देखो इसमें माइनस से तो ये प्लस हो जाएगा, 1.01 रेज टू पावर टी 10 पावर 7 माइनस, माइनस से प्लस हो गया ये. और 30,000 अपॉन 0.01 मतलब 30,000 इंटू 100, तो 30 लाख आ जाएगा, 30 लाख. और ये माइनस 30 लाख, ये मैंने बताया 10 पावर 7 मतलब 10 पावर 7 है, सॉरी ये 10 पावर 7 है. नेशनल पॉपुलेशन 10 पावर 7 है. तो 10 × 10 × 10 7 टाइम, मतलब 1 करोड़ हो गया. सो ये आ गया 1.01 रेज टू पावर टी इंटू 1 करोड़ प्लस 30 लाख, 1 करोड़ 30 लाख हो गया जी, माइनस 30 लाख. आप चाहे तो ऐसा कह सकते हैं 1.01 रेज टू पावर टी 1.3 × 10 पावर 6 माइनस 3 × 10 पावर 6, ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है. तो ये आपका आंसर हो गया, ये सॉल्यूशन आ गया आपका. और कुछ पूछ रहे हैं आपसे? कमेंट ऑन इट्स स्टेडी स्टेट. अब इसका स्टेडी स्टेट क्या होगा, सिंस मैंने बताया था आपको यहाँ पे ए क्या है, ए 1.01 है, ए 1 से बड़ा है तो इट कन्वर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी. सिंस ए इज मोर देन, सॉरी सिंस ए इज मोर देन वन, सो इट्स डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी. मैंने गलती से कन्वर्जेस बोल दिया, इट डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी. जो भी आपके पास एक्सटार आएगा, ये सॉल्यूशन जो है ये जाएगा टूवर्ड्स इन्फिनिटी. ये एक्स्ट्रा आप रुकेगा नहीं, ये जाएगा टूवर्ड्स इन्फिनिटी. तो इट डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है जी, क्लियर है? ओके नेक्स्ट, ये कमेंट तो आपको लिख देना वहां पे, डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी. चाहे तो दो वैल्यू निकाल के दिखा सकते हैं, दो चार वैल्यूज पर, पी 0 निकालिए, पी 1 निकालिए, पी 2 निकालिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत लंबा पड़ेगा ना निकालना, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएंगी. नहीं तो इससे मैं निकाल नहीं रहा हूँ, बस आपको याद रखना है जो मैंने रूल बताया था आपको, लेक्चर में बता रखा, दोबारा बोल दिया मैंने यहाँ पे अभी, थैंकफुली दोबारा बोल दिया क्योंकि यहाँ पे काम आ रहा है. ए मोर देन वन है तो डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, याद रखिएगा चार बातें जो हैं, भूल जाएंगे तो दिक्कत होगी, क्वेश्चन तो आना ही है इसमें से, ठीक है. अब नेक्स्ट है, अ फर्म हैज करंट सेल्स ऑफ 50,000 पर मंथ, द फर्म वॉन्ट्स टू एम्बार्क अपॉन ए सर्टेन एडवर्टाइजिंग कैंपेन दैट विल इंक्रीज द सेल्स बाई 2% एवरी मंथ कंपाउंडेड कंटिन्यूसली ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स ऑफ कैंपेन, फाइंड द टोटल इंक्रीज ऑफ सेल्स बिकॉज ऑफ दिस कैंपेन. देखिए ये एक ईजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले क्वेश्चन है क्या. अगर आप कुछ भी ना करें तो आपको 50,000 रुपये की हर महीने सेल होगी, तो एक रेकरिंग फॉर्म ऑफ रेवेन्यू आपके पास है, हर महीने आपके पास 50,000 रुपये आते हैं. लेकिन जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो आपका रेवेन्यू इंक्रीज करता है, और इंक्रीज का रेट क्या है, 2% एवरी मंथ और कंपाउंडेड कंटिन्यूसली. तो पूछ रहे गेन कितना होगा, पहले निकालते हैं हमारी अब इस एडवर्टाइजमेंट के बाद सेल्स क्या होंगी पूरे 12 महीने में, और वो अदरवाइज क्या होती है. अदरवाइज तो 50,000 हर महीने होती है, तो 12 महीने में 50,000 × 12 करते 6 लाख होती. अगर एडवर्टाइजमेंट ना करते तो 6 लाख होती. अब निकालेंगे इसके बाद कितनी होंगी, जो डिफरेंस है वो गेन है, डिफरेंस पूछ रहा है. तो आप जानते हैं फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ ए रेवेन्यू स्ट्रीम, ये होता है इंटीग्रेशन 0 से t ft(e^r) टाइम्स t − t dt. याद है आपको फॉर्मूला, याद है क्लास में पढ़ाया हुआ है. यहाँ पे आपको 12 मंथ्स के लिए निकालना है, तो t है 12, r 2% है, 2% मतलब 0.02 है,
तो एफ डी वी क्या होगा? इंटीग्रेशन जीरो, और यहाँ पर एफ टी है 50,000, 0 to 12 50,000 ई 0.02 टाइम्स टी माइनस टी डी टी। आप जानते हैं ई पावर ए टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ई पावर लैम्डा टी डी टी इज ई लैम्डा टी अपॉन लैम्डा, याद है आपको? तो यहाँ पे हमारे पास ये जो कोफिशियंट है, वेरिएबल है स्मॉल टी, इसका कोफिशियंट है 0.02 और माइनस, तो माइनस 0.02 है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा 50,000 रहेगा कॉन्स्टेंट अपनी जगह पे, ई पावर 0.02 इंटू टी माइनस टी डिवाइड बाई माइनस 0.02, क्योंकि यहाँ पर जो स्मॉल टी वेरिएबल हमारे उसका कोफिशियंट क्या है? माइनस 0.02, और मेरी यहाँ पे लिमिट्स लगनी है 0 से 12, तो माइनस 50,000 अपॉन 0.02, इसको बाहर रखता हूँ मैं, ई 0.02 टाइम्स, और टी यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे 12 है, 12 माइनस 12 माइनस ई 0.02 टाइम्स 12 माइनस 0, सो दिस इज माइनस 50,000 अपॉन 0.02 टाइम्स, इट ये जीरो हो गया, ई पावर जीरो माइनस ई पावर 0.24, सो 50,000 माइनस 50,000 अपॉन 0.02। ये मैं ऐसा कर सकता हूँ, इस माइनस को अंदर ले जाऊँ यहाँ पे अगर, तो इसको पहले लिख दूँ ई पावर 0.24 और ई 0 1 होता है। अब मुझे कैलकुलेटर भी यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ने ई पावर 0.24 की वैल्यू दी तो मैं सॉल्व करूँगी, तो ये मेरा आंसर यही हो गया, ठीक है? मैं अभी आपको सॉल्व करना बता देता हूँ कैलकुलेटर पे, राइट? अगर क्वेश्चन ने ई पावर 0.24 की वैल्यू दी तो आप सॉल्व करेंगे, नहीं तो ये आंसर खत्म हो गया यहाँ पे, फिर इसमें से 6 लाख माइनस कर दीजिए, वो गेन आ जाएगा आपका। मगर अब क्योंकि मुझे, मैं यहाँ पे अभी तो बस लग्जरी है कैलकुलेटर यूज़ करने की, तो मैं यूज़ कर लेता हूँ कैलकुलेटर आपके लिए यहाँ पर। तो देखिए, पहले तो ये जो वैल्यू मेरे पास 50,000, 50,000 डिवाइड बाई 0.02, ये बन जाती है 25 लाख, 25 लाख इंटू ई पावर 0.24 माइनस। अब मैं निकालूंगा ई पावर 0.24, ई ई होता है 2.7182, कुछ भी याद ना रहे अगर आपको, कुछ भी ना पता हो तो ई होता है 2.7182, ये याद रखिएगा, ई की वैल्यू होती है 2.718281, ऐसे चलता जाएगा, क्योंकि ई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल प्रेजेंटेशन है, तो खत्म तो कहीं होगा नहीं, तो ई है 2.782। मगर मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ कैलकुलेटर, तो उसको यूज़ कर लेते हैं, तो ई पावर 0.24 ये मिल रहा है मुझे 1.2712, इसमें से माइनस करना है 1, तो आएगा ये जो भी आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना 25 लाख से, इंटू 25 लाख, 1 2 3 4 5, सो आ रहा है 6,78,122, 6,78,122 पॉइंट, पॉइंट में क्या है, 0.875, तो 88 कर लेते हैं, 0.88, ठीक है? तो ये तो हो गई सेल्स आफ्टर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, तो सेल्स एनुअल सेल्स कह लीजिए, एनुअल सेल्स आफ्टर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन आ रही है 6,78,122.88, एनुअल सेल्स विदाउट एडवर्टाइजमेंट कैंपेन वुड हैव बीन 50,000 इनटू 12, 6 लाख, सो इंक्रीज इन सेल्स कितना हुआ ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इज डिफरेंस इज 78,122.88, ठीक है? आप कहेंगे सर हमको तो कैलकुलेटर साइंटिफिक अलाउड नहीं होगा, तो ये जो वैल्यू आपने लिखी ना यहाँ पे, ये जो आपने लिखी वैल्यू, इसमें से ही -6 लाख करके दिखा देंगे, तो वही आपका आंसर रहेगा फिर, क्योंकि अब आपके पास कैलकुलेटर तो है नहीं, तो आप उसके आगे जा नहीं सकते, वहाँ पे आपको रुकना पड़ता है,
मैंने आपको एक्चुअल नंबर्स दिखा दी ताकि आप, अभी तो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं है, आप तो कंपैरिजन कर सकते हैं कि वाकई में गेन हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी, मुझे गेन हुआ। इम्पॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, आइडेंटिफाई करना इम्पॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन फ्यूचर डिस्काउंटेड वैल्यू का है। जब कभी भी कोई एक आपके पास कोई स्ट्रीम ऑफ मनी है, कहीं से पैसा लगातार एक पीरियोडिकल इंटरवल में आ रहा है या कहीं जा रहा है, एक स्ट्रीम होना चाहिए। स्ट्रीम मतलब बार बार पैसा आता है या बार बार पैसा जाता है। तो जब भी स्ट्रीम होता है तो वहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ होनी चाहिए स्ट्रीम के साथ साथ, जो इंटरेस्ट है उसकी कंटिन्यूस कंपाउंडिंग होनी चाहिए, तभी इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। तो दोनों चीज़ों को होना इम्पॉर्टेंट है। पहली बात, एक स्ट्रीम ऑफ मनी होना चाहिए, वो प्रॉफिट हो, रेवेन्यू हो, लॉस हो, एक्सपेंडिचर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है, उसका जो ग्रोथ हो या उसका जो डेप्रिसिएशन हो, वो कंपाउंडेड कंटिन्यूसली होना चाहिए। इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला अलग है। खैर, फिलहाल यहाँ पे क्योंकि हमको 1 साल बाद का निकालना है, तो मैंने फ्यूचर ही निकाली है। इसके ऊपर डिटेल में लेक्चर है आपके पास इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर, जहाँ पे हमने इकोनॉमिक एप्लीकेशंस करी है, वहाँ पे डिटेल में समझाया आपको कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, किन केसेस में निकालते हैं, क्या प्रोसेस करते हैं, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, उस आपने लेक्चर में पढ़ा है मेरे साथ। फिलहाल एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। तो अभी हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कर डाले हैं पेपर के, इजी थे। इनमें से कोई भी ऐसा तो था नहीं जिसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा आपको समस्या रही हो। हाँ, इस क्वेश्चन पे मेरा फोकस है, ये अक्सर बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, भूल जाते हैं। ये बात याद रखना ज़रूरी है कि इनकम स्ट्रीम यानी रेकरिंग इनकम है, बार बार इनकम या बार बार रेवेन्यू है, बार बार मनी का फ्लो है, हर एक पीरियड के बाद, वो 1 महीने के बाद, 1 क्वार्टर के बाद, 6 महीने के बाद, एनुअल हो सकता है, हर 1 साल के बाद, कोई भी पीरियड हो सकता है, डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मतलब एक रेकरिंग स्ट्रीम होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो हम और कंडेंस कंपाउंडिंग होना चाहिए, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फ्यूचर में जाना है तो FDV निकालते हैं, प्रेजेंट में आना है तो PDV निकालते हैं। PDV का फॉर्मूला वो क्लास में पढ़ा है, वहाँ से आप देखिए, राइट। तो होपफुली इतनी बात आप लोग समझ गए हैं। कोई क्वेरी आपके मन में है, कोई डाउट है, तो डाउट सेशन में आके मेरे साथ डिस्कस कीजिए। अभी नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे फिर हम लोग। ओके, गुड बाय, थैंक यू।